आप देख रहे हैं द भारत टाइम्स, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं मेरठ की एक खबर की ओर। डॉक्टर की लापरवाही के चलते गई युवती की आंखों की रोशनी, परिजनों ने किया हंगामा। आपको बता दें मेरठ में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां बुलंदशहर की रहने वाली एक युवती अपनी आंखों का ऑपरेशन कराने मेरठ चिकित्सक के पास आई थी, जहां उसकी आंखों का ऑपरेशन किया गया जिसके बाद उसकी आंखों की रोशनी चली गई। युवती के परिवार ने चिकित्सक पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। बता दें ये मामला मेरठ के डॉक्टर रूप के क्लिनिक का है। बताया जा रहा है कि ये क्लिनिक मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के NIS कॉलेज के सामने है। परिजनों ने बताया कि उन्होंने डॉक्टर को पैसे पूरे दिए जिसके बाद भी उन्होंने लापरवाही बरती। हालांकि क्लिनिक के बाहर परिजन जमकर हंगामा कर रहे हैं, तो इसी मामले में क्या कुछ कहना है घर वालों का, परिजनों का और साथ ही डॉक्टर का, आइए देखते हैं। क्या नाम है, क्या मामला हुआ है? मेरा सम्मो नाम है। कहाँ की रहने वाली हो, क्या मामला हुआ? गुलावठी के रहने वाले हो। गुलावठी के क्या मामला हुआ है? ये आँख बनवाई थी, इन्होंने कहा आँख बन जाएंगी, लेंस डलेगा इनकी आँखों में, दिखना लगेगा, चश्मा हट जाएगा। जो कहा वही करा हमने। आज जो इन्होंने पैसे मांगे वो दिए, अल्ट्रासाउंड भी कराया, सब कुछ कराया, इंजेक्शन भी लगवाया, जो कह रहे हैं कि 700 और जी 250 का इंजेक्शन लगेगा वो भी लगवाया। और उसके बाद क्या कहते हैं, अब आँख इन्होंने कल परसों पहले दिन बनाई थी, बनाई, अब बनाने के बाद लड़की को दूर का दिखाई दे रहा, पास का नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल तौर खत्म, पास का नहीं दिखाई देता। नीचे पास की नहीं दिखाई रही, दूर की दिखाई देती है। डॉक्टर कह रहा है कि चश्मा लगेगा, दिखाई देने लगेगा। बस चश्मा लगता था, हम जब ही ना चश्मा बनवा लेते तुमसे। रूप डॉक्टर के नाम है, साली का नाम। मामला यह है, किसी ने बताया था रूप डॉक्टर अच्छा है, इसकी आंखें यहाँ दिखाओ, आंखें ठीक हो जाएगी। हमने यहाँ पे आए, इसके फादर भी आए, मेरे ससुर साहब हैं वो, और जी इन्होंने कहा 32,000 रुपये काउंटर में रख दो। 32 एक 25,000 लेंस है, 18,000 का लेंस है। हमने क्या अच्छा लेंस लगाओ, अच्छा लेंस लगवाया था हमने, तो वो लेंस लगाने के बाद में भी ज़्यादा पट्टी खोल देना, वो पट्टी खोलने के बाद में भी ना एक दो दिन बाद लड़की को दूर का दिखा था, पास का बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। कुरान शरीफ जो किताब इतना पढ़ा वो अक्सर पास की दिखाई नहीं दे रहे। और अब यहाँ पे आए हैं दोबारा, तो ये कह रहे हैं कि चश्मा लगेगा, चश्मा बनेगा, लड़की का चश्मा लगेगा, लग के लड़की को दिखेगा। अब हमने पैसे, हाँ हमने जो पैसे दिए हैं चश्मा हटाने के दिए, तो साफ दिखाने देने के दिए हैं पैसे, अब लड़की को हमारी साफ नहीं दिखाता, फिर क्या क्या पैसे बताओ। बच्चे की आज भी आंख में रोशनी पूरी है, ठीक है, बच्चे की आंख में सूजन थी, छोटी उम्र में मोतिया नहीं होता, सूजन की वजह से मोतिया हुआ था, मोतिया का ऑपरेशन हो गया, आज बच्चे को पूरा दिखता है। जो बच्चे की समस्या है, जो उसकी दादी या नानी है, वो कहती है पास का नहीं दिखता, तो लेंस लगने के बाद पास के लिए चश्मे की ज़रूरत होती है, ठीक है। बच्चे की आँख बिल्कुल ठीक है, हमने उसको कह दिया है किसी और डॉक्टर को दिखा ले, सलाह कर ले, कोई इलाज में कोई दिक्कत उसे दिखाई दे तो बता दे। अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, बाकी ऐसी जानकारी के लिए देखते रहें द भारत टाइम्स, साथ ही ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।